बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इट्स वोल्केनोज एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 9। आल्सो दिस इज टॉपिक 9 एज वेल। सो लेट अस डिस्कस वोल्केनोज। This lecture is the continuity of our previous topics, which we have studied before MIDS. So let us start volcanoes. So I hope you all have the idea what is a volcano. So volcanoes, it is a hill of material that is extruded to the earth's surface from a vent that is connected to a magma chamber via feeder conduit. यानी कि ये इसमें कह रहा है कि ये जो magma chamber है, मतलब यहाँ पे अर्थ में जमीन में नीचे कहीं पे जाके जो molten form में जो rocks जो exist कर रहे हैं in the form of magma, वो यानी कि उस चीज को वो chamber कह रहा है, ठीक है। अब ये एक फीडर जो कंड्यूट जिसे हम कहते हैं, तो और ये मैग्मा चैम्बर है जिसे यानी कि स्टोरेज जहां पे लिक्विड फॉर्म में रॉक्स जो हैं एग्जिस्ट कर रही हैं, और ये एक जो जो कंड्यूट जिसे हम कह रहे हैं ये पाइप का काम दे रहा है, ठीक है। इधर से जो हमारा जिसे कहते हैं अपना मैग्मा है ये ऊपर जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल वैसी चीज है जैसे हम ग्राउंड वाटर्स को ऊपर सरफेस पे ले आते हैं, तो हम ऑब्वियसली एक चैनल एक पाइप या एक रास्ता पैसेज बनाते हैं उसके लिए उस सरफेस पे लाने के लिए। तो ये जो कंड्यूट है ये वो काम कर रही है पाइप का, ठीक है। और ये वेंट है ये उसकी ओपनिंग है जहां से लावा बाहर आएगा, ठीक है। मैग्मा तो जब तक मैग्मा है जब तक सरफेस के अंदर है तो मैग्मा है, जब ऊपर आ गया तो लावा हो गया, ठीक है, और यहाँ से बाहर आएगा। और ये वोल्केनिक डेब्रिस है, ओब्वियसली जब वो बाहर आएगा तो वो इधर उधर स्कैटर होगा फैलेगा, तो उसे हम डेब्रिस कहते हैं, ठीक है। सो इस तरह और इस चीज को हम वोल्केनो कहते हैं। So volcanoes is a Roman word means god of fire. Obviously, god of fire को छोड़ें आप, तो fire से आप ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज जो है वो fire की फॉर्म में या आग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और volcanoes are vents through which hot materials are discharged continuously or occasionally, ठीक है। और हमने बात की कि यानी कि मैग्मा जहाँ पे नीचे एग्जिस्ट करता है फिर वो ऊपर सरफेस पे आता है, लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की कि वो कंटिन्यूसली आता है या ओकेजनली आता है, ठीक है। तो हम इसमें दोनों बातों को कवर कर रहे हैं कि या तो कंटिन्यूसली भी आ सकता है, ओकेजनली कभी कभी भी आ सकता है। सो अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग और रप्चर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वोल्केनो क्या है, कि एक ओपनिंग है जमीन की सरफेस पे जहाँ से नीचे से मैग्मा जब ऊपर आता है उस कंड्यूट के में जब ट्रेवल करता है तो उस जो वोल्केनो ओपनिंग से ना बाहर आता है। और हमें ये भी पता है कि वोल्केनो जो है वो यानी कि मैग्मा जो है वो जमीन के अंदर मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हीट और प्रेशर की वजह से वो सरफेस पे आता है, ठीक है। और फिर इसी तरह विच अलाउज हॉट मैग्मा वोल्केनिक एश एंड गैसेस टू एस्केप फ्रॉम बिलो द सर्फेस। अब एक तो हॉट मैग्मा ऊपर आएगा, दूसरा उसमें वोल्केनिक ऐश जो है क्योंकि वो प्रेशर से जब आता है तो ऊपर वो स्कैटर हो जाता है एनवायरनमेंट में, तो वो ऐश की फॉर्म में नीचे जमीन पे आता है, ठीक है। तो वो वोल्केनिक ऐश है, ठीक है। और साथ में ऑब्वियसली उसके साथ कुछ गैसेस भी जो है वो इमिट होंगी उस एक्टिविटी के दौरान, ठीक है। अब ये देखें, ये एक इलस्ट्रेशन है आपको समझाने के लिए, और ये रियल लाइफ जो है रियल टाइम पिक्चर आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें मैग्मा चैम्बर, ठीक है, एक बनाया हुआ है जमीन के नीचे सरफेस के बहुत ज्यादा कहीं नीचे जहाँ पे सारे रॉक्स जो हैं वो मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। ये कंड्यूट के थ्रू ऊपर जा रही हैं, ठीक है।
और ये लावा फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ, जिसे हम लावा डेब्रिस कहते हैं, ठीक है। और ये ऐश और गैसेस हैं, ठीक है। अब गैसेस वो है जो मतलब एनवायरनमेंट में चली जाएंगी, और ऐश ऑब्वियसली फिर नीचे गिरेगी साइडों पे, ठीक है। ये वेंट है। सो इस होल फिनोमेना को हम कहते हैं वोल्केनो, ठीक है। और इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पायरोक्लास्टिक फ्लो, ये हमने लास्ट टाइम देखा भी था जब हमारी क्लास हुई थी यूनिवर्सिटी में लॉकडाउन से पहले। और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और इसी तरह ये उसके नीचे फर्दर जो हमारा जोन है मेंटल और फिर कोर और वो सारी चीजें। तो ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये ओशन है, और ये नीचे ऑब्वियसली इसका ओशियनिक क्रस्ट है। ये वाला जो खुश्क वाला पोर्शन है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। यहाँ से ये इसका वो लेवल सा जो चेंज हो रहा है, तो इसे हम सबडक्शन जोन कहते हैं, ठीक है। ये एश फॉल मतलब ये जब यहाँ से लावा आया एक धमाके की फॉर्म में ऊपर, तो गैसेस भी इमिट होंगी, फिर साथ में एश फॉल भी होगी। और वहां अगर उस टाइम कोई रेन वगैरह हो जाए तो वो रेन में, क्योंकि उसके अंदर गैसेस होती हैं काफी सारी, तो वो जब रेन होगी तो वो गैसेस मिलके तो ऐसे ड्रेन की फॉर्म में भी नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके जो कंपोनेंट्स हैं वोल्केनोज के। अब लेट अस डिस्कस दीज वोल्केनो प्रोडक्ट्स वन बाय वन। लाइक हमने बात की कि एक मैग्मा या लावा इटसेल्फ जमीन जो नीचे चैम्बर से ऊपर कंड्यूट के थ्रू ऊपर आता है और वो फिर सरफेस पे आता है, वो तो एक मैग्मा इटसेल्फ हो गया। एक हम उसको भी डिस्कस करेंगे, फिर साथ में जो गैसेस इमिट होती है वो भी, फिर साथ में जो ऐश फॉल होती है वो क्या चीजें हैं, फिर इसी तरह सिंडर्स। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन, ठीक है। सो मैग्मा क्या है कि मोल्टन रॉक विद इन द अर्थ, मैग्मा इज कॉल्ड लावा व्हेन इट रीचेस द सरफेस। और इसकी टाइप्स कितनी हैं, तीन, बसाल्टिक एंड डेसिटिक एंड रियोलिटिक, ठीक है। सो बसाल्टिक की जो लावा है उसकी कंपोजिशन ये है कि इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तो होता है। इसकी विस्कोसिटी जो है वो लो है, और इसमें गैस कंटेंट भी कम है। और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि इसमें 45 to 55% सिलिका होता है, और रिमेनिंग इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम और सोडियम जो है ये कम होता है। एंड डेसिटिक में जो है 55 to 65% सिलिका है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। विस्कोसिटी इसकी मतलब लो से थोड़ी सी ज्यादा है, इंटरमीडिएट है। गैस कंटेंट भी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। और इसमें जो आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम जो है ये भी इंटरमीडिएट है, यानी कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। सिमिलरली रियोलिटिक जो है बसाल्टिक का रिवर्स होगा, कि इसमें जो सिलिका कंटेंट था वो मिनिमम था, और इसमें जो है सिलिका कंटेंट वो मैक्सिमम है। और इसी तरह इनमें जो जो एलिमेंट्स या मेटल्स वो ज्यादा थे इधर कम है, ठीक है। और इसी तरह जो यहाँ पे कम थे वो यहाँ पे ज्यादा है। टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा था, इसका बहुत कम है। विस्कोसिटी इसकी इसी तरह, इसकी लो है, इसकी हाई है। और गैस कंटेंट इसमें भी लो था, इसमें हाई है। और जो एंडेस्टिक है वो इन दोनों के इन बिटवीन है, ठीक है। सो दिस इज द मैग्मा। ये हो गई मैग्मा की बात, के मैग्मा आता है, इसका टेम्परेचर ये होता है, विस्कोसिटी ये होती है, गैस कंटेंट इतना होता है, सिलिका उसमें इतना होता है। अब हमने बात कर ली कि मैग्मा में ये देखें इतनी इतनी चीजें हैं, गैसेस भी हैं, ठीक है, और उसकी टाइप्स ये हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि उसमें गैसेस कौन कौन सी हैं, कि गैस कैन प्रोवाइड द फोर्स टू वायलेंटली थ्रो मैग्मा एंड ऐश फ्रॉम वोल्केनो। गैसेस गेट सेपरेटेड लावा में डिस्चार्ज साइलेंटली एज वेल। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब गैसेस उसमें होती हैं तो वो देखें कि वो एक बर्स्ट यानी कि फट जाता है जिस तरह, तो ये देखें एक धमाके की तरह, एक एक्सप्लोजन की तरह आपको देखने को मिलता है कि लावा ऊपर आ रहा है। वंस जब गैसेस उससे निकल जाएं, इस फिनोमेना में जब लावा से या मैग्मा से जब गैसेस जो है इमिट कर जाएं, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके बाद जो वो कह रहा है कि लावा जो है वो आराम से यानी कि साइलेंटली फ्लो करता है या निकलता है, ठीक है। एशेज क्या है कि वोल्केनिक डस्ट और पार्टिकल्स, जिसमें जब ये पार्टिकल्स ऊपर हवा में जाते हैं और जिनका साइज जो है 4 mm से कम हो,
वो वोल्केनिक, उसे डस्ट हम कहते हैं या पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। और ये लॉन्गर डिस्टेंस पे फ्लो करते हैं, क्योंकि जाहिर है एक धमाके की फॉर्म में ये जब ऊपर आते हैं तो ये साइड्स पे एक दूर 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 तक ये जाके जो है ना ट्रेवल करते हैं और फिर वहां से नीचे आते हैं। और रोमन्स जो हैं वो इसे हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं, और ये नॉर्मली जो है वो पोरस होता है, यानी कि इसमें सुराख वगैरह होते हैं जिससे पानी जो है या कोई भी लिक्विड जो है वो पास कर जाता है, ठीक है। सिंडर क्या है कि हमने बात की कि ऐश वो चीज है या डस्ट जिसका साइज जो है 4 mm से कम हो, तो सिंडर जो है ये फाइन ग्रेन पायरोक्लास्टिक मटेरियल है जिसका साइज जो है 4 mm से 32 mm के दरमियान होता है, ठीक है। और सिंडर इज अ स्टीप कॉनिकल हिल ऑफ लूज पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट सच एज इधर वोल्केनिक क्लिंकर्स, सिंडर्स, वोल्केनिक ऐश और स्कोरिया दैट हैज बीन बिल्ट अराउंड अ वोल्केनिक वेंट, यानी कि ये 32 mm मीन्स के 25 mm का 1 इंच हो गया, तो आप देख लें कि 1 इंच से 1.25 inches ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये इतना इसका साइज होता है, ठीक है। और बाकी चीज ये भी वही है जो ऐश ऐश ही की तरह की है, लेकिन ये अपना साइज में थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। नाउ वो कह रहे हैं कि मैग्मा बनता कैसे है। अब हमने बात की कि जमीन के अंदर जैसे जैसे हम कोर की तरफ जाते हैं फ्रॉम क्रस्ट, ठीक है, फ्रॉम क्रस्ट टू मेंटल, मेंटल टू कोर, तो जो जो हम नीचे जाते जाते हैं तो होता क्या है कि जमीन के अंदर जो टेम्परेचर है, हीट है, वो बढ़ती जा रही है। और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है 1 डिग्री सेल्सियस विद 40 मीटर डेप्थ, यानी कि आप जमीन के अंदर 40 मीटर नीचे जाएं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो ऊपर था लेट से सरफेस पे, अगर हमारा टेम्परेचर है लेट से 30, तो अगर आप 40 मीटर नीचे चले जाएं तो वहां पे 31 हो जाएगा, फिर फर्दर 40 मीटर नीचे चले जाएं तो 32 हो जाएगा। फिर इसी तरह वो साथ में ये कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर अबव 1100 डिग्री सेल्सियस एट ऑल द रॉक्स आर इन मोल्टन स्टेट कॉल्ड मैग्मा, यानी कि जमीन में हम इतना नीचे चले जाते हैं कि ऑलमोस्ट कोर में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो लेट से अगर हमने 30 से स्टार्ट किया था तो वहां पे 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, और वहां पे जो सारी की सारी रॉक्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो जिसे हम मैग्मा कहते हैं। अब वहां पे जब वो सारी एग्जिस्ट करती हैं वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, काफी सारे केमिकल्स, मेटल्स एंड सो ऑन, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वहां पे होता क्या है कि चेंज इन हीट एंड प्रेशर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो उस हीट और प्रेशर की वजह से क्या कि मैग्मा जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में मूव मतलब नहीं रहता उसी से, चूंकि मैग्मा तब तक मैग्मा है जब तक कि वो जमीन के अंदर है, जब वो सरफेस पे आया तो वो फिर लावा बन जाता है। तो मैग्मा फिर उस हीट और प्रेशर की वजह से क्या करता है कि जमीन की सरफेस की तरफ मूव करता है, ठीक है, टू इरप्ट थ्रू द पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब यानी कि जमीन में क्रस्ट के ऊपर जहां से उसको वीकर जोन मिलेगा वहां से वो आके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सो वोल्केनोज आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा इज फोर्स्ड आउट टू एस्केप और अटेम्प्ट्स टू एस्केप ऑन द अर्थ सर्फेस। तो ये जब मैग्मा जो है अटेम्प्ट करे कि जमीन से बाहर आने की अटेम्प्ट करे उस टाइम वोल्केनोज जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो व्हाई डू वोल्केनिक इरप्शन ऑकर्स एट प्लेट बाउंड्रीज। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने अपने पीछे किसी लेक्चर में पढ़ा था जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, फिर वो जब मूव एक दूसरे की तरफ मूव करें या एक दूसरे से अवे मूव करें तो वहां पे बाउंड्रीज बनती हैं, ठीक है, जिस तरह कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हमने पढ़ी थी। अब ये क्वेश्चन है कि ये जो प्लेट बाउंड्रीज है वहीं पे ही मैग्मा जो है ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि वहां पे वो वीकर जोन है, वहां पे प्लेट्स जो है मूव कर रही हैं, बाकी जगहों पे प्लेट्स जो है वो सॉलिड हैं, ठीक है, तो वहां पे प्लेट्स मूव कर रही हैं वो वीकर जोन है, तो मैग्मा को वहां वही वीकर जोन मिलता है वहां से वो बाहर आता है, ठीक है। और एट डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज अर्थक्वेक ऑकर्स, ठीक है। अब वो हमने पीछे किसी एक कोई वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है कि अर्थक्वेक्स भी आते हैं। अब ऑब्वियसली वो अर्थक्वेक एक तो वो प्लेट बाउंड्रीज की मूवमेंट की वजह से आते हैं, दूसरा वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आते हैं, ठीक है।
अर्थक्वेक आते हैं बिकॉज प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है. वोल्केनोज ऑल्सो फॉर्म एज अ मैग्मा राइज अपवर्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग मेंटल अलॉन्ग द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स. वी ऑलमोस्ट नेवर सी द वोल्केनोज बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड ऑन द सी फ्लोर. अब वो कह रहे हैं कि हम यानी कि बहुत कम इनको देखते हैं वोल्केनोज को, क्योंकि ये अब ऑब्वियसली प्लेट्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्लेट्स में क्रस्ट पे हैं, वो कुछ समुंदर के ओशेनिक क्रस्ट के नीचे भी प्लेट्स हो सकती हैं और वहाँ पे भी मैग्मा या ये जो वोल्केनिक एक्टिविटीज है वहाँ पे भी होती हैं, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि जो वोल्केनिक एक्टिविटीज नॉर्मली या ज़्यादातर सी उधर ओशेनिक क्रस्ट में होती हैं वो हमें नज़र नहीं आती. और इसकी वजह क्या है कि व्हाट कॉजेज वोल्केनोज टू इरप्ट, द शिफ्ट इन द अर्थ प्लेट्स आर व्हाट कॉजेज वोल्केनोज टू फॉर्म. यानी कि अर्थ, वो कह रहे हैं कि वजह क्या है कि वोल्केनो होता है, कि क्यों होता है, ठीक है. तो ये जो प्लेट्स जो हैं जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स ये जब मूव करती हैं तो दिस इज द रीजन के वहां पे, चूंकि वो वीकर जोन बन जाता है और ये फिर रीजन बनती है वोल्केनिक एक्टिविटी की, ठीक है. एज द प्लेट ज्वाइन और सेपरेट सम ऑफ द मोल्टन रॉक इज एक्सपोज्ड, ठीक है. और वहां पे ऑब्वियसली मोल्टन रॉक जो नीचे होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है. और विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस टू ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो. अब ऑब्वियसली जितना जो मैग्मा है जितना विस्कस होगा उतना ज्यादा वो फ्लो करेगा. अब हमने बात की कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वहां पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है. तो ये सारी की सारी जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके आसपास ये सारी एक्टिविटी नॉर्मली, यहाँ पे बल्कि लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, आई थिंक 75% जो है ना सारी जमीन की सारी की सारी जो वोल्केनोज हैं वो 75% ये जो प्लेट्स बाउंड्रीज पे हो रही है, ठीक है. तो 75% यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटीज प्लेट बाउंड्रीज पे हो रही है, तो उसको हम एक रिंग ऑफ फायर का नाम हम देते हैं. रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशन वेयर मेनी अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस ऑकर इन अ लार्ज 40,000 किलोमीटर हॉर्सशू शेप. इट इज एसोसिएटेड विद अ नियरली कंटिन्यूस सीरीज ऑफ ओशनिक ट्रेंचेस, वोल्केनिक आर्च एंड वोल्केनिक बेल्ट बेल्ट्स एंड प्लेट मूवमेंट. इट हैज 452 वोल्केनोज, ठीक है. मोर देन 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव एंड डोरमेंट वोल्केनोज. रिंग ऑफ फायर इज समटाइम कॉल्ड सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है. ये चीज है. अब ये देखें ये सारी की सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, ये एरिया. अब यहाँ पे ये जो प्लेट जब एक दूसरे से अवे या अपार्ट मूव करेंगी, और हमने ये भी पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ प्लेट जो है वो पर ईयर 1 से 2 इंच वो मूव करती हैं. तो ये वो सारी की सारी जो हैं प्लेट्स हैं. अब उनके आसपास ये जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं इन जगहों में 75% ये वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं वर्ल्ड की, मोर देन 75%. रिमेनिंग जो है वो जमीन की सरफेस पे हो रही है, ठीक है. मतलब वो हो रही हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे. ये जो 75% हैं ये नॉर्मली हो रही हैं किधर, ओशेनिक क्रस्ट पे. हॉटस्पॉट्स क्या है कि जहाँ पे यानी कि वो एरिया जो विच इज मोस्ट लाइकली टू यू नो हैपन विद दिस वोल्केनिक एक्टिविटी, तो उन जगहों को हम हॉटस्पॉट्स यानी कि हमें पता है कि यहाँ पे कभी भी किसी भी टाइम वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, तो उन्हें हमने हॉटस्पॉट्स का नाम दे दिया हुआ है, ठीक है. सो बेसिकली वोल्केनोज ओनली फॉर्म वेयर देयर इज अ वे फॉर द मैग्मा टू माइग्रेट टुवर्ड द सर्फेस सच एज अ प्लेट डिसकंटिन्यूटी और एन एरिया वे द क्रस्ट इज वेरी थिन. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हॉटस्पॉट्स. अब पहले उसने बात की कि हॉटस्पॉट्स कौन सी जगह है. एक वो जहाँ पे प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं और जहाँ पे जगह है यानी कि जहाँ पे उनको ना मैग्मा को ऊपर आने के लिए रास्ता है, एक तो वो हो गया. दूसरा जहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल हमारा क्रस्ट है या सरफेस है वो थिन हो, ठीक है, वेरी थिन हो, तो वो जगह भी ऑब्वियसली फिर वीकर बन गई, तो वो जगह भी फिर हॉटस्पॉट ही हुई मैग्मा के लिए.
Areas where the underlying mantle is much more hotter than in the other areas, either due to mantle clouds or lithosphere extension. Example of hot hotspots include Hawaii and the Portuguese island of Madeira. But for the most part, volcanoes lie at the edge of tectonic plates. So again, फिर उसने वही बात कह दी कि जो most part of volcano होते हैं वो tectonic plates के edge पे होती हैं. ये उसकी उसका सारा फिनोमेना है. तो अब यहाँ पे आप देखें, दिस इज द ओशियनिक क्रस्ट. ठीक है, अब यहाँ पे उसको कोई जोन मिल गया तो यहाँ से मैग्मा बाहर आ गया. ठीक है, और ये जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है. यहाँ पे भी देखें, ये मैग्मा चैम्बर है और यहाँ से फिर मैग्मा यानी कि ऊपर गया और ये जो है ना वोल्केनिक एक्टिविटी हुई. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ वोल्केनो. अब वोल्केनो में क्या क्या चीजें होती हैं, हमने मैग्मा पढ़ लिया. तो मैग्मा जो जमीन के अंदर हो तो मैग्मा है, लावा सरफेस पे आ जाए तो लावा बन जाता है. वेंट क्या है कि एक ओपनिंग है थ्रू विच मोल्टन रॉक फ्लोज इनटू द अर्थ सरफेस, यानी कि जहां से वो जिसका आप कह लें मुंह उसका, जहां से वो बाहर यानी कि जहां से जमीन से नीचे से वो ऊपर वेंट, उसमें वो कंड्यूट से मूव करेगा कंड्यूट, वो जो पाइप पाइप का आखिरी ऊपर वाला सिरा जो जमीन में जमीन की सरफेस पे आके ओपन होगा उसे हम वेंट कहते हैं. ठीक है, और वोल्केनोज ऑलवेज हैव वन सेंट्रल वेंट बट कैन आल्सो हैव सेवरल स्मॉलर साइड वेंट्स, यानी कि एक तो होगा मेन वेंट उसका, यानी कि एक जहां से मेन या ज्यादा फॉर्म में ज्यादा क्वांटिटी में जो है ना लावा बाहर आएगा, बट उसके छोटे छोटे वेंट्स उसी एरिया में आसपास और भी हो सकते हैं जहां से वोल्केनो जो है वो एक्टिविटी होगी. ठीक है, अब ये देखें वोल्केनोस पर कॉन्टिनेंट. तो ऑस्ट्रेलिया में अब ये स्केल है, तो सबसे ज्यादा वोल्केनो कहाँ हो रहे हैं, अराउंड एशिया में. एशिया में हो रहे हैं और दिस इज अराउंड 30 to 40 इतने, यानी के वोल्केनो हमने जितनी भी बात की जो रिंग ऑफ फायर में हमने बात की कि 450 समथिंग वोल्केनो थे. तो अब 450 में मतलब वो तो 75% थे ना. तो टोटल जितने भी हुए उसमें आप देखें सबसे ज़्यादा जो वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है वो एशिया में हो रही है. सेकेंड नंबर पे फिर नॉर्थ अमेरिका है, एंड देन आई थिंक दिस ग्रीन और येलो जो है अफ्रीका और साउथ अमेरिका, बल्कि ये अफ्रीका वाला ज़्यादा है देन साउथ अमेरिका, और इसी तरह ये जो है वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है. नाउ टाइप्स ऑफ इरप्शंस, यानी कि वोल्केनो अब हमने बात तो कर ली कि जमीन के नीचे जो है हीट प्रेशर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो फिर जो है ना सारी रॉक्स जो है मोल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, फिर वो सरफेस पे आती हैं. अब सरफेस पे आने के लिए कौन कौन से मतलब वेज हैं, तो अब एक है फिशर इरप्शन, एक है सेंट्रल इरप्शन. ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है. मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम मेनी पॉइंट्स, यानी कि जहाँ पे प्रेशर हीट और प्रेशर हीट तो होगी प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे, और उसको बड़ा एरिया मिल जाएगा वीकर जोन, तो वहाँ से क्या होगा मैग्मा जो है ना बहुत सारी जगहों से बाहर आएगा. अब ऑब्वियसली हमें पता है प्रेशर की डेफिनेशन अगर हम देखें कि फोर्स पर यूनिट एरिया, अब यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है. ठीक है, यानी कि एक बड़े एरिया से मैग्मा जो है वो बाहर आ रहा है, सो दिस इज द फिशर इरप्शन. सेंट्रल इरप्शन में क्या है कि एक वही जो टिपिकल हमने वोल्केनो वाली फिगर देखी कि एक कंड्यूट है फिर ऊपर वेंट लगा हुआ है वहां से ऊपर आ रहा है तो धमाके की फॉर्म में, वो सेंट्रल इरप्शन है. यानी कि एक ही जगह जो है वो सेंट्रलाइज्ड है और वहां से जो है मैग्मा जो है बाहर आ रहा है. ठीक है, अब ये देखें दिस इज अ फिशर इरप्शन, एक बड़ी जगह से बड़े एरिया से जो है मैग्मा बाहर आ रहा है. ठीक है, और ये है सेंट्रल इरप्शन, एक वन एक लोकेशन से मैग्मा जो है यहाँ से बाहर आ रहा है. सो दिस इज द सेंट्रल, दिस इज द फिशर इरप्शन. अब ये फिशर इरप्शन जो है कम्स आउट फ्रॉम मेनी पॉइंट्स, हमें पता है.
जावर जो है ये पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। और ये लास्ट टाइम जो हुई थी वो जनवरी 2010 में हुई थी, पहली और अभी तक की आखिरी यही है जनवरी 2010 में और गवा में, ठीक है। फिर इस तरह बाकी एक्सप्लेनेशन ये आप देख लें। और इसी तरह चंद्रा गप एट 100 मीटर इज एन एक्टिव मड वोल्केनो लोकेटेड इन बलोचिस्तान, ठीक है, ये जगह। अब देखें ये लावा फाउंटेन इस केस में बनते हैं, ठीक है, इरप्शन स्टाइल, और यहाँ पे लावा फ्लो करता है, यानी कि जो नॉन एक्सप्लोसिव फिशर इरप्शन ये वाला है ना, ठीक है, तो बड़े एरिया से मैग्मा जब बाहर आता है तो ये नॉन जो है ना एक्सप्लोसिव नहीं है, इसमें धमाका नहीं होता, तो यहाँ पे लावा जो फ्लो करता है नॉर्मली, ये एक्सप्लोसिव है, जिस तरह कोई कोई भी चीज एक्सप्लोड करती है तो इसे हम सेंट्रल इरप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है लावा फाउंटेन्स बनते हैं, ठीक है, फवारा टाइप, ठीक है, वो चीज बनती है और ये एक्सप्लोसिव्स है। और क्लासिफिकेशन के अब पीछे हमने जब वोल्केनो एक्टिविटी की बात की तो हमने कहा कि या तो एक्टिवली हो रहे हैं या कभी कभी हो रहे हैं, ठीक है। अब मैग्मा तीन तरह के होते हैं, एक तो वो हमने टाइप पढ़ी ना, एंडेस्टिक, रियोलिटिक, बसाल्टिक। एक मैग्मा के होने की तीन टाइप्स हैं, मतलब वो या तो एक्टिव होगा कि बार बार हो रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ठीक है, एक ही जगह से बार बार, डोरमेंट है, उसमें ये होता है कि एक बार वहां से कोई मैग्मा आया फिर एक कंसिडरेबल टाइम के लिए ना, मतलब लेट्स से एक 5 साल 10 साल 20 साल के लिए वहां पे कोई दोबारा एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वहां पे चांसेस हैं कि वहां पे दोबारा वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, तो उसे हम डोरमेंट कहते हैं। और एक्सटेंट है कि बस एक बार ही कहीं हुआ और उसके बाद कहीं वोल्केनिक एक्टिविटी हुई ही नहीं, तो उसे हम एक्सटेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक्टिव ऑलवेज एक्टिव स्टॉप्स फॉर फ्यू पीरियड ऑफ टाइम एंड अगेन स्टार्ट्स, एक्टिव, डोरमेंट एंड एक्सटेंट, ये तीन जो है एक्टिविटी रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी जो है उसको तीन टाइप्स में किया गया है डिवाइड। अब दिस इज एक्टिव, ये है माउंट आल्सो जापान, जापान में ये है, और यहाँ पे अगर एक्टिव है तो ऑब्वियसली ये होगा, फिर कुछ अर्से के लिए स्टॉप, फिर होगा। सर डोरमेंट में है कि एक बार हुआ फिर एक रीजनेबल या कंसिडरेबल पीरियड के लिए जो है ना स्टॉप हो गई एक्टिविटी, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा कहीं होगी। और एक्सटेंट है कि कभी एक बार हुई तो उसके बाद हुई नहीं, तो ये इटली में है। तो एक्टिव वोल्केनोज क्या हैं कि ये अब फर्दर उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है, और ये जस्ट आप उसे रीड कर लें, आई होप इसमें एज सच कुछ नहीं है, और अगर आपको कोई मसला होगा तो आप मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास एक्सटेंट है, ठीक है, और फिर डोरमेंट है, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ वोल्केनो, ठीक है, यानी कि वोल्केनो जब होती है एक्टिविटी तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली क्या होता है, ठीक है। व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स इट थ्रोज आउट अ लॉट ऑफ ऐश, अब हमने बात की पीछे कि ऐश फॉल होती है, ठीक है, और उसका साइज हमने देखा कि 4 mm से कम होता है, ठीक है। एट शॉर्ट नोटिस दिस ऐश कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, यानी कि वो जो ऐश है उस टाइम तो बहुत गर्म होती है और वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए जब वो ठंडी हो जाए तो उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए बड़े यूज़फुल जो है वो प्रूव होते हैं। तो ये आ गया उसका मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। So volcanoes provide resources for energy extraction, also called geothermal resources. Heat from the earth's crust is being converted to energy. The big advantage to this type of energy are that it is very clean and the resources are nearly inexhaustible. Yani ki wo keh rahe hai ki geothermal energy jo hai ye jo volcanoes hain ye hame kya karte hain ki
एनर्जी एक्सट्रैक्शन, यानी कि हम इसे जियो थर्मल एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं, जो प्योर क्लीन है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन, क्योंकि नेचुरली हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसका धमाके का कोई चांसेस नहीं है, यानी कि मैग्मा की हीट को यूटिलाइज करके हम कोई एनर्जी अपने लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक साइकिल है, पिलर से ये इवेंट था जहाँ से एक वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। अब ये देखें, ये ऐश फॉल हुई, ऐश में देखें ये ऐश भी है, फिर उसमें HCl है, HF है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, तो यहाँ से एसिड ड्रेन भी हुई, ठीक है। फिर ये फर्दर ये देखें, वो एसिड ड्रेन वाली चीजें आपको बता रहा है। तो ये एक साइकिल है, आई होप कि इसमें आप मुझसे ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अभी 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 आपने रिसेंटली केमिस्ट्री पढ़ी है। और ये वो जो हमने बात की कि एट द बॉटम ऑफ ओशियनिक क्रस्ट जो एक्टिविटीज होती हैं नॉर्मली ड्यूरिंग द फायर, में हमने एक चीज पढ़ी थी, तो ये है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, न्यू क्रस्ट इज फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द ओशन फ्लोर। तो ये जमीन के अंदर कोई चीज हुई, मैग्मा एक्टिविटी ऊपर आई, तो ऑब्वियसली वो सॉलिडिफाई होगी, तो वो क्रस्ट फिर न्यू क्रस्ट बनता जा रहा है, ठीक है, समुद्र के नीचे ही। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, शील्ड वोल्केनो, सिंडर कोन वोल्केनो एंड कंपोजिट वोल्केनो। वोल्केनो तो शील्ड वोल्केनो, वोल्केनो क्या है कि जिसमें एक तो मेन वेंट है, दूसरा साइड से ये जो लावा फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये आ गया शील्ड वोल्केनो, ठीक है, लावा जिसमें फ्लो कर रहा है। सिंडर कोन में क्या होता है कि प्योरली एक ही जो है कोन बनी हुई है या वेंट है जिससे लावा बाहर आ रहा है, बाकी कोई सोर्स नहीं है, ठीक है। कॉम्पोजिट में क्या होता है कि मतलब एक मेन वेंट है, लेकिन थोड़े थोड़े साथ में आप कह लें कि शील्ड्स बने हुए हैं जहां से लावा जो है फ्लो भी कर रहा है, ठीक है, साइड से ही बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये कंपोजिट है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ना तो ये प्योरली सिंडर कोन है, ना ही ये प्योरली शील्ड वोल्केनो। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ वोल्केनो, ठीक है। अब हमने फिगर्स से देख लिया तो हमें आइडिया हो गया होगा कि शील्ड वोल्केनो क्या है कि ब्रॉड है और स्लाइटली डूम्ड है और बेसाल्टिक है, ठीक है। इसी तरह सिंडर कोन जो है वो स्मॉल है, स्टीप है और पायरोक्लास्टिक है। कंपोजिट क्या है कि टाल और लार्ज दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्टीप साइड्स हैं, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ लावाज हैं पायरोक्लास्टिक्स, ठीक है। फिर ये शील वेल्केनो वोल्केनो को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ, ये आप खुद यूज कर लें, इसमें अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें जस्ट पढ़ने वाली चीजें आई होप आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। फिर ये शील्ड वोल्केनो के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है। देन वी हैव सिंडर कोन वोल्केनोस एंड वेयर द लावा इज रिलेटिवली कूल, इरप्शंस फॉर्म स्मॉल सिंडर कोन्स ऑन द वोल्केनो सरफेस। ये कंपोजिट वोल्केनोज हैं, मिक्सचर ऑफ लावाज एंड पायरोक्लास्टिक्स, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कंपोजिट वोल्केनोज, ये आप देख लें। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द वोल्केनिक हजार्ड्स, यानी कि वोल्केनिक एक्टिविटीज के तो हमने फायदे भी देख लिए कि ठीक है जी, इसके क्या क्या फायदे हैं। एक हमने वो देखा कि जियो थर्मल एनर्जी हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि हम इससे जो ऐश फॉल है वो ग्राउंड की सॉइल की फर्टिलिटी के लिए मुफीद है, लेकिन साथ साथ इसके कुछ जो है ना हजार्ड्स भी हैं, खतरात भी हैं। वो क्या है कि गैसेस जो हैं इसमें ओब्वियसली वहां से ऐसे ड्रेन होती है। फिर इसी तरह अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि लावा फ्लो हुआ हवाई में 1998 में, ठीक है, और गैसेज उससे निकली, फिर 1984 में 1700 लोग इतनी जो है ना पॉइजनस गैसेज की वजह से मर गए, ठीक है। ऐश फॉल हुई 1991 में,
लैंडस्लाइड्स भी होती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जमीन में जो अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक से अगर हिली एरिया है या स्टीप जो स्टीप स्लोप्स है वाला एरिया है, तो वहाँ पे जो लैंडस्लाइड भी होते हैं, ठीक है, ये उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि 1983 में अर्थक्वेक्स और सुनामी यूजली ड्यू टू अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक बड़े स्केल पे आ गया तो वो फिर सुनामी बन गया, ठीक है ना, 1883 में, और 36,000 इतने लोग जो है वो मरे थे। सो दीज आर द हजार्ड्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि पायरोक्लास्टिक फ्लो जब होता है तो उसके क्या हजार्ड्स हैं, फिर इस तरह मड फ्लो के क्या हजार्ड्स हैं। सो पायरोक्लास्टिक में मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस ऐश एंड रॉक फॉर्मिंग अ सुपर हीटेड एंड डेंस करंट कैपेबल ऑफ मूविंग 150 किलोमीटर पर आवर और मोर, यानी कि ये इस स्पीड से नीचे से ऊपर आके ऊपर जो है ना एक्सप्लोड करता है। तो इससे देखें 28,000 लोग जो है 1902 में जो है मरे थे। इस तरह मड फ्लोज में क्या होता है कि एश प्लस वाटर प्लस डेब्रिस, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल इन अ कंक्रीट लाइक स्लरी कैपेबल ऑफ मूविंग 100 किलोमीटर पर आवर, और इसमें 23,000 पीपल जो है दे वर किल्ड इन 1985। अच्छा ठीक है, हमें पता चल गया कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है उसके हजार्ड्स हैं। सो हाउ बीइंग एन इंजीनियर हाउ डू वी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है, हमें पता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, फिर हम उसके रिस्क, क्योंकि पीछे हमने देखा हजारों लोग उसमें मरे, 28,000, 36,000 एंड सो ऑन, तो हाउ डू वी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्टिविटी, ऑब्वियसली बाय वॉल्केनो मॉनिटरिंग, यानी कि हम जिस तरह हम वेदर को फोरकास्ट करते हैं या मॉनिटर करते हैं, हम हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस एरिया में रेनफॉल या स्नोफॉल होने वाली है। तो सिमिलरली अगर हम वोल्केनिक एक्टिविटी को मॉनिटर करें और फिर हम इसको प्रिडिक्ट कर दें कि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होने वाली है, फिर हम नेसेसरी जो हमारे प्रिकॉशनरी मेयर्स हैं वो लें, तो देन वी कैन मिनिमाइज द वी कैन नॉट इलिमिनेट और टोटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्टिव रिस्क ऑफ यू नो वोल्केनिक एक्टिविटीज, रादर वी ट्राई टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एक्टिव वोल्केनिक। सो हाउ डू वी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ वोल्केनोज, बाय वोल्केनो मॉनिटरिंग। सो वोल्केनिक मॉनिटरिंग में क्या होता है कि ऑब्वियसली साइंटिस्ट या जो भी इसके साथ जो एसोसिएटेड जो टेक्निकल पर्सन हैं वो क्या करते हैं कि वो लेबोरेटरीज या अपने कोई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं जिससे वो वोल्केनिक एक्टिविटी को जो है नोट करते हैं, फिर उसके बाद उसको फोरकास्ट करते हैं कि वो कब होने वाली है, ठीक है। तो साइंटिस्ट सेट अप लेबोरेटरीज और वोल्केनो ऑब्जर्वेटरीज, इन शॉर्ट आप कह लेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट्स लगा लिए, ऑन द साइड ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, ठीक है। ऑब्वियसली जो हमने बाकी दो टाइप्स पढ़ी वो एक डोरमेंट था जो बस हो गया और बस फिर दोबारा नहीं हुआ, और एक तो ओरिजिनल था ना काफी एक कंसिडरेबल अमाउंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर नहीं हुआ दरमियान में बोलकर, लेकिन उसके बाद फिर कभी हो गया। वो जो जो एक्चुअल जहाँ से हम फोरकास्ट कर सकते हैं वो एक्टिव वोल्केनो, जहाँ पे हमें पता है कि कभी भी किसी भी टाइम भी वोल्केनो आ सकता है, तो वहां पे उसके उसकी साइड पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल किया, ठीक है। व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, ऑब्वियसली दे वर लुकिंग फॉर यू नो द साइंस ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी। एज मैग्मा मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस इट कैन ऑल्टर इट्स एनवायरनमेंट प्रोड्यूसिंग साइंस दैट इट इज ऑन इट्स वे टू द सरफेस, दीज साइंस आर कॉल्ड प्रीकर्सर्स टू एन इरप्शन, यानी कि जब साइंटिस्ट ने आप के लिए ऑल राइट आई एम सॉरी आई लॉस्ट माय इंटरनेट एंड लेट अस से कि दिस इज एन यू नो एन एक्टिव वोल्केनो, जहाँ पे साइंटिस्ट ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल किया, और अब ये किस चीज को देखेंगे कि जब वोल्केनो वो जब मैग्मा जो है जमीन की सरफेस की तरफ मूव करेगा तो वो क्या करेगा, कुछ साइंस छोड़ेगा। अब जिस तरह अगर बारिश के चांसेस हों तो उसके साइंस क्या है कि पहले धूप गायब होती है, यानी कि बादल आते हैं, ठीक है, फिर कोई हवा वगैरह चलती है और उसके बाद बारिश आती है, तो हम कह सकते हैं कि
बोलते हैं कि सॉरी बारिश होने होने वाली है। तो इसी तरह जो मैग्मा ओबियसली जमीन के बहुत नीचे था तो सरफेस जो है नॉर्मल थी, जब इसने ऊपर आना शुरू किया तो सरफेस पे कुछ जो है ना आसार ये छोड़ेगा अपने, आसार क्या कि उसमें जो है ना स्वेलिंग होगी, यानी कि अर्थक्वेक भी होगा, सरफेस का जो है ऊपर वाला कर्वेचर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसी तरह उसमें वाइब्रेशन आ जाएगी, वहां पर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। सो उस चीज को उसे कहते हैं प्रीकर्सर्स, ठीक है। जिस तरह मैंने बारिश की आपको एग्जाम्पल दी कि प्रीकर्सर है, इसी तरह वोल्केनिक के भी प्रीकर्सर है। अब प्रीकर्सर्स क्या है कि इंक्रीज्ड अर्थक्वेक इन द एरिया, अब उस एरिया में जो है अर्थक्वेक जो है वो बढ़ जाएगा, फिर इसी तरह वहां पे डिफॉर्मेशन भी आना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसकी जो शेप है वो भी चेंज होना शुरू होगी, मतलब स्वेलिंग और क्रैकिंग होगी ग्राउंड में। ऑब्वियसली स्वेलिंग और क्रैकिंग होगी तो वो जो क्रैकिंग होगी वहां से मैग्मा बाहर आएगा। चेंज इन द अमाउंट ऑफ और केमिस्ट्री ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो, अब पहले जो जब वोल्केनो नहीं हो रहा था या जब उसके चांसेस नहीं थे, तब वहां पे गैसेस की जो इमिशन थी वो एक तो अमाउंट भी उसकी कुछ और थी, कम थी या ज्यादा थी, कम थी। इस तरह जब वोल्केनो होने जा रहा है तो फिर ओब्वियसली वहां पे गैसेस इमिशन, गैस इमिशन में भी चेंज आएगा या इंक्रीज आएगा, ठीक है। और फिर हमें पता है कि ये गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं और एक जो है ना आप कह लें कि ब्लास्ट की तरह से एक्सप्लोजन की तरह का जो है ना ये एक्टिविटी होती है। तो अब उस एक्सप्लोजन में ऑब्वियसली गैसेस फिर बहुत ज्यादा होंगी, यानी कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, फिर चेंज इन द ग्राउंड वाटर लेवल और केमिस्ट्री। सो दीज फोर आर द प्रीकर्सर्स ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, प्रीकर्सर्स ऑफ वोल्केनो। तो साइंटिस्ट इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो लेट से एक एक्टिव वोल्केनो था वहां पे जाके, अब हमने हमने तीन चार बातें की हैं कि एक हमने कहा कि वहां पे अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक को नोट करने के लिए एक हम एक सीज़मिसिटी एक इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह ग्राउंड डिफॉर्मेशन को नोट करने के लिए हम एक जो है ना कोई लेवलिंग टाइप कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा लगा देते हैं, गैस इमिशन के लिए गैस इमिशन वाला इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, और जियोफिजिकल मेजरमेंट्स और साथ में हाइड्रोलॉजी, हमने ग्राउंड वाटर टेबल या वो चीज़ अगर चेंज हो रही है तो उस अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। यानी कि जो जो हमने प्रीकर्सर्स को डिफाइन किया है उनको मॉनिटर करने या मेजर करने के लिए हम वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही हम ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें बताएंगे कि ग्राउंड में डिफॉर्मेशन हो रही है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, गैस इमिशन भी ज्यादा हो गई है, सो नाउ हमें अब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनो होने वाला है, ठीक है। सीज़मिसिटी, डिफॉर्मेशन, गैस आउटपुट, ठीक है। सो दीज थ्री थिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस टू एन इरप्शन, यानी कि जो हमने बात की थी ग्राउंड वाटर टेबल की वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सीज़मिसिटी, अर्थक्वेक, गैस इमिशन और ग्राउंड फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, These are the most important precursors to an eruption, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये एक जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये इनिशियल फिगर ये है, ये वाली है, और यहाँ पे मैग्मा जो है ये एक आपके लिए चैम्बर है, ये एक कंड्यूट है, ठीक है, और ये वेंट है ऊपर, ठीक है, जहां से मैग्मा बाहर आएगा। अब जब मैग्मा ने ऊपर मूव करना शुरू किया तो क्या होगा कि इसमें हीट और प्रेशर और वो सारी चीजें, ठीक है, डिवेलप होंगी, और ये इस चीज इस जगह को उन्होंने मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो जैसे जैसे मैग्मा ऊपर आना शुरू होगा, गैस इमिशन और प्रेशर वो बढ़ता जाएगा, तो ये देखिए ग्राउंड में जो है क्रैकिंग और वो सारी चीजें आ रही है, तो ये फिर यहाँ से अर्थक्वेक्स, ऑब्वियसली ये जो क्रैक्स वगैरह बनेंगे तो यहाँ से अर्थक्वेक में फील होगा। सो दिस इज हाउ अर्थक्वेक, ये इसे हम यानी कि दिस इज हाउ वी मॉनिटर सिज्मिक एक्टिविटी ऑफ वोल्केनो, ठीक है। ग्राउंड डिफॉर्मेशन मॉनिटरिंग क्या होगा कि इनिशियली अगर लेट से हम कह देते हैं कि जमीन जो थी या वो फ्लैट थी, रिलेटिवली फ्लैटर सरफेस थी, ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब ग्राउंड डिफॉर्मेशन में जब ओब्वियसली मैग्मा ऊपर आ रहा है तो जमीन एक्सपेंड होगी, क्योंकि ये एक मैग्मा को अलाउ कर रही है अपने में से पास करने के लिए, तो जाहिर है ये अगर अलाउ करेगी तो खुद ये लूज होगी, एक्सपेंड होगी, तब ये अलाउ करेगी। तो ये जो हमने कोई एक कोई टिल्ट लेट्स से कोई टिल्ट मीटर लगाया था या जो भी, पहले वो रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल था, बाद में क्या हो गया कि वो उसमें इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा आ गया,
ठीक है, तो हमें यहाँ से भी पता चल गया। अब ये देखिए, ये मैग्मा चैम्बर था जो कि ओवल शेप था, ठीक है, तो जब उसमें हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका वॉल्यूम जो है बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर आस पास ज़मीन पे वो फेंकेगा, और एक तो उसमें जो है एक्सपेंशन होगी ज़मीन में, साथ में अर्थक्वेक्स भी आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी मॉनिटर डिफॉर्मेशन, ठीक है। एंड गैस एमिशन, ओब्वियसली हम कोई ऐसा वो लगा लेंगे, इंस्ट्रूमेंट लगा लेंगे जो गैस को मेयर करेगा। कॉमनली गैस आउटपुट फ्रॉम अ वोल्केनो इंक्रीजेस और चेंजेस कंपोजिशन बिफोर एन इरप्शन, एज मैग्मा राइजेस टू द सर्फेस इट रिलीज मच ऑफ इट्स गैस कॉन्टेंट, दिस कैन बी मेयर्ड, ठीक है, गैसेज को मेयर किया जाता है, और ये जो है हजर्डस होती है या डेंजरस केसेज होती हैं इनको, यानी कि जब ये लोग जाते हैं वहाँ पे तो वो थ्रू नोज या इस तरह से गैसेस को जो है ना वो स्मेल नहीं करते। सो दिस इज हाउ वोल्केनिक एक्टिविटी वर्क्स, एंड इन दिस लेक्चर वी हैव लर्न्ड द टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, और फिर उसके बाद एंड मच मोर, ठीक है। तो वोल्केनिक एक्टिविटी का स्ट्रक्चर देखा, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो किस तरह से बाहर आता है, हम उसको मॉनिटर कैसे करते हैं, कौन कौन से उसके प्रिकर्सर्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वोल्केनो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग है या जो चीज़ें मैंने पढ़ने के लिए बताई हैं वो पढ़ लें, और फिर उसके बाद अगर समझ नहीं आती तो जरूर मुझसे यू कैन आस्क, एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीक।